मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो जैसा कि आप जानते हैं कि ख्वाबों से तबीयत तक और एशियन ट्रेड टीवी की हमेशा से रवायत रही है कि हम हमेशा ही आपसे अपने लेजेंड्स, अपने स्टार्स और अपने हीरोज़ को मिलवाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने अपने शोबे में रह के बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती है। हमेशा की रवायत को बरकरार रखते हुए आज 111, जी हाँ, 111वीं एपिसोड मेरी होने जा रही है, और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मेरे बड़े अच्छे दरीना दोस्तों में से एक दोस्त हैं और बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उनकी तरक्की देख के बहुत खुशी होती है कि बड़े उसको मैंने उनको हमेशा बहुत एनर्जेटिक और डायनामिक पाया है, हमेशा ही हंसते खिलते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, और मेरे साथ मौजूद है काशिफ अनवर साहब, जो कि प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर भी है। मैं थोड़ा सा आपको याद कराता जाऊँ, इनसे पहले भी हमने आज से जब 4 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ किया था ख्वाबों से तबीयत तक का, तो काशिफ अनवर साहब का इंटरव्यू किया था। वो उनका एक और डेजिग्नेशन था, और वो तब नायब सदर भी थे लाहौर चैम्बर के, और इकोनॉमिक फोरम के वो प्रेसिडेंट भी हैं। उस हवाले से बात हुई थी। आज मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उस सफ़र से लेकर ये सफ़र और आगे आने वाले सफ़र, और लाहौर चैम्बर चूँकि बड़ा भाई है पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स का, उसकी तरक्की कहाँ तक हुई है उनके आने के बाद, और ये सफ़र कहाँ कितना जारी सारी है। मेरे साथ रहिएगा, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। काशिफ अनवर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सर, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, एक खिलता हुआ चेहरा हमेशा की तरह, और इतना, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा, इतना एनर्जेटिक, और ये वाहिद, नाज़रीन मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ये वाहिद लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं जिनको मैंने सोशली बहुत एक्टिव देखा है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए काशिफ साहब, मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो सबसे पहले बात, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया था, आज से 4 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था आपके ऑफिस में, शायद आपको याद हों वो माजी की थोड़ी सी बातें, और तब से अब तक ये सफ़र में काफ़ी मुश्किलात आई होंगी, काफ़ी कुछ हुआ होगा, फाइनली आज आप लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और खिदमत सर अंजाम दी, आलमोस्ट 1 साल भी हो गया है। तो वैसे लाहौर चैम्बर तो मैंने जैसे तारों में भी कहा, बड़ा भाई है पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स का, तो आप कैसे देखते हैं इसको, लाहौर चैम्बर को अपने हवाले से? आपने ठीक कहा कि माजी की कुछ तल्ख बातें और कुछ खुशगवार बातें हमेशा अपने नकूश छोड़ जाती हैं, तो ये भी एक अच्छा मेरा तजर्बा था आपके साथ आपका इंटरव्यू देना। बिल्कुल जी, अल्लाह का बहुत करम है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, मैं अपने स्टाफ के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँ, और मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मेरा टर्म है मैं वो करता रहूँगा। I'll be trying my level best, inshallah, with the help of Allah and His Prophet, कि मैं हर वो चीज़ कर सकूँ जिसको मुझे यहाँ बिठाया गया है, जिस काम बिल्कुल। तो इससे पहले मैंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मियां नुमान साहब का इंटरव्यू किया, उससे पहले मियां तारिक मिसबा साहब का, उससे पहले इरफान साहब का, और हमेशा की तरह मुझे जब भी लाहौर चैम्बर आने का इत्तेफाक हुआ तो यहाँ की जो प्रोग्रेस मैं देखता हूँ ओवरऑल, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका ये जो ट्रेनोर चल रहा है,
जब आपने यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट इसको ज्वाइन किया तो उससे लेके अब तक थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट्स के मतलब बताइएगा बतौर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं पिछले तमाम प्रेसिडेंट्स को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा कि अल्टीमेटली बीज कोई लगाता है, रखवाली उसकी कोई और करता है, फिर जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो फल कोई और खाता है। तो ये जो मेरी सक्सेस में तमाम फॉर्मर रिजीम्स का भी हाथ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स का हाथ है, और जो मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम किया अपने टर्म में वो इस आवाज़ को बुलंद कर दिया कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज के ऊपर बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए, क्योंकि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होगी और जब तक ये पॉलिटिशियंस एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी सही रास्ते पे नहीं आएगी। और हमने उसके लिए लेटर्स भी लिखे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और बाकी काम तो देखें वो रूटीन के साथ साथ चल रहे होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मेरी ओपन डोर पॉलिसी है, मुझसे मिलने के लिए किसी को टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। अगर मैं लाहौर चैम्बर में बैठा हूँ तो मेरा टाइम मेरे मेंबर्स का है। और मैं एक और बात भी कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कम्युनिटी के लिए यहाँ पर हूँ। वो मेरा मेंबर है या वो मेरा मेंबर नहीं है, जो शख्स चल के मेरे पास आ गया ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसका काम करूँ। और मैं एक और बात भी कहता हूँ कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाहौर की एमएनए की 9 सीट्स हैं, एमपीए की 18 सीट्स हैं, लेकिन लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करना मेरी जिम्मेदारी है, वो ताजर है, वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मैनुफैक्चरर है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है या वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, अगर वो मेरे चैम्बर में आ गया है तो उसके मसले को हल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिला तफरीक, बिला तफरीक, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। सर ये ट्रेड पॉलिटिक्स ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली जॉब है, तो आप इसको किस तरह से डील कर लेते हैं? आपकी पर्सनैलिटी में मैंने देखा ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे नहीं है, बड़े साफ गो, बड़े कोई इतने डिप्लोमेटिक नहीं है आप, तो कैसे, हाउ यू? मैं सिर्फ मैं इस बात को सिर्फ इन अल्फाज में कंक्लूड करूँगा, मैं सियासत करता हूँ और सियासत मेरे नबी की सुन्नत है, ठीक है, मैं मुनाफकत नहीं करता। गुड, मेरा यही जवाब है। वेरी गुड जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि काशिफ अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट सी ब्रेक का, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कि जब तक ग्रे इकोनॉमी का पैसा आपकी वाइट इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा, डिक्लेयर्ड नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके सिस्टम नहीं चलेंगे, अब वो सारा पैसा जो आपका प्लॉट्स में लग गया है वो बाहर आ ही नहीं सकता। वो इसलिए बाहर नहीं आ सकता कि डिपार्टमेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि डिपार्टमेंट्स हमसे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। नो डाउट, हमारी हर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के पास है, हम छुपा नहीं सकते, हम बेच नहीं सकते, कोई ख़रीद नहीं सकता। तो जब, और एक और बात, जिसके पास डिक्लेयर्ड पैसा है वो भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि जिसने प्लॉट ख़रीदा है और जो बेच रहा है उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो हमें एक दफ़ा इस सारे सिस्टम को करेक्ट करना होगा, हमें सोचना होगा, बैठना होगा, और मुझे अल्लाह ताला पे बहुत उम्मीद है कि अगर हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाई मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज काशिफ अनवर साहब प्रेजिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सर मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, हर बंदा सर्टनली परेशान है, आपको भी पता है डॉलर्स का जो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ों को किस जाविये से देखते हैं? देखें, हालात नॉर्मल होंगे कि ये इसी तरह चलता रहेगा? इंशाल्लाह हमारे बिल्कुल हालात नॉर्मल होंगे, हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए, ये मुश्किल का वक्त है, निकल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। अगर हम आज भी अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हमारे पास डॉलर की कमी है, हमारे रिजर्व्स नहीं हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी इम्पोर्ट्स कम नहीं हो रही, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही,
तो ये अल्लाह ताला मौके देता है आपको आपकी गलतियों से सीखने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं सीखेंगे, मिसाल उसकी ये दूंगा कि अभी फ्लड आया, $30 बिलियन का नुकसान हो गया, हमने आज भी नहीं सीखा कि हमने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं या हमने डैम्स बनाने हैं, हम वाटर स्केयर्स होने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो अपनी नेमत दे रहा है हमें, अब उस नेमत को हम जहमत बना रहे हैं तो फिर इसमें अल्लाह का कसूर तो नहीं है, इसमें तो हमारा कसूर है कि वो उसने कई बिलियन डॉलर का हमें पानी दिया, वाइट गोल्ड दिया, हम उसे महफूज नहीं कर सके। तो अगर ये हालात आए हैं तो देखें इसका हल भी मौजूद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठना होगा, उन्हें फ़ैसला करना होगा हमारे मुस्तकबिल का, सियासत का इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आने या जाने से हमारी इकॉनमी को नहीं रुकना चाहिए, और इसका हल बहुत सादा सा आसान सा मौजूद है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने भी अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं उसकी डिक्लेरेशन अनाउंस कर दे, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना भी ग्रे इकॉनमी का पैसा है जो इस वक्त नेट के अंदर नहीं है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसके लिए एक एमनेस्टी अनाउंस कर दे, सारा पैसा किटी में आ जाए। ये तो मिनिस्ट्री की तरह होता है ना, मिनिस्ट्री आ जाती है एंड के ऊपर, सारा कुछ हम उससे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कैसे मामला बेहतर हो जाएंगे, ये तो शॉर्ट टर्म सर चीज़ें ना सारी। देखें जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं तो आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है, आपको ड्रिप लगा के ठीक नहीं किया जाता, इस वक्त हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारा सांस नहीं निकल रहा, और जब सांस नहीं निकलता तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि बुज़ुर्ग सरांदी और पवांदी यासीन के साथ बंदे खड़े करा देते थे कि जान आराम से निकल जाए, या तो आप पाकिस्तान के सरांदी और पवांदी यासीन पढ़वा लीजिए कि हमने इसको नहीं बचाना, और अगर आपने बचाना है तो फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए है, एमरजेंसी में चाहिए है, और शॉर्टेस्ट टर्म में हमें इस वक्त फैसला करना है कि हमने क्या करना है। देखें IMF का रिव्यू, जो 9th रिव्यू है, जब आपकी स्टाफ लेवल की मीटिंग क्लियर हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद आप IMF को कन्विंस करें, आप FATF को कन्विंस करें, इसके बगैर, क्योंकि देखें इसका ये मसला नहीं है कि हम अनडिक्लेयर्ड को लाना चाह रहे हैं, इसका मसला ये है कि जब तक ग्रे इकॉनमी का पैसा आपकी वाइट इकॉनमी के अंदर नहीं आएगा, डिक्लेयर्ड नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके सिस्टम नहीं चलेंगे, अब वो सारा पैसा जो आपका प्लॉट्स में लग गया है वो बाहर आ ही नहीं सकता, वो इसलिए बाहर नहीं आ सकता कि डिपार्टमेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि डिपार्टमेंट्स हमसे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारी हर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के पास है, हम छुपा नहीं सकते, हम बेच नहीं सकते, कोई ख़रीद नहीं सकता, तो जब, और एक और बात, जिसके पास डिक्लेयर्ड पैसा है वो भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि जिसने प्लॉट ख़रीदा है और जो बेच रहा है उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हमें एक दफ़ा इस सारे सिस्टम को करेक्ट करना होगा, हमें सोचना होगा, बैठना होगा, और मुझे अल्लाह ताला पे बहुत उम्मीद है कि अगर हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें, हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, जब आप सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं तो कलैप्स हो जाता है, सिस्टम में चलना चाहिए, चाहे लाहौर चैम्बर हो, फेडरेशन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी इदारा हो, आपका घर भी हो, आपको घर को भी आप सिस्टम में चलते हैं, आप सिस्टम को अपने मुताबिक नहीं चलाते, जब आप सिस्टम को अपने मुताबिक चलाएंगे तो मैं आपको बताता चलूं, डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही आती है, और तबाही के लिए हर उस शख्स को तैयार रहना चाहिए जो सिस्टम को अपनी मर्जी से चला रहा होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस मुल्क का बुनियादी ला इलाहिल्लाह पर हो उस मुल्क का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारी गलत पॉलिसीज़ है, हमारी नीतों में थोड़ा सा है, जिस वजह से ऐसा मामला चल रहे हैं। सर, आप स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स जो किसी चीज़ की बैकबोन है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, लाहौर चैम्बर स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर रहा है, कुछ है आपकी पॉलिसी? लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा जी हम स्मॉल जो है इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है हमें, यानी कि इस पूरे इक्टिनोर में, प्लीज़ थोड़ा सा इस पर बताइएगा। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन उस हद पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ऊंचाई पे इन्फ्लेशन नहीं गई। मैंने बहुत सालों के बाद दोबारा इंटरेस्ट रेट 20% पे देखा, 1975 आफ्टर, बहुत सालों के बाद मैंने 20% पे देखा।
आपके 11,000 से ज़्यादा कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े स्टिल आपकी एलसीज नहीं खुल रही, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपके जॉब के लॉसेज हो रहे हैं, आप मुझे कहते हैं मैं एसएमई को प्रमोट करूं, मैं क्या एसएमई को प्रमोट करूं? बात यह है कि एसएमई तब तक प्रमोट नहीं होगी जब तक सिस्टम नहीं चलेगा, जब तक इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, जब हमारे हम ये कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? मैं बहुत से अपने ऐसे मैं एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जिनकी शर्ट्स तैयार हैं, बटन्स नहीं हैं, पेंट्स तैयार हैं, जिप्स नहीं हैं, उनकी मशीनरी पोर्ट पे खड़ी है और अगर मशीनरी फैक्ट्री में भी लगी है तो सिर्फ $5,000 के लिए टूल्स क्लियर नहीं हो रहे, उनके सारे सिस्टम्स रुक गए हैं। तो देखें, कानून को अगर जो 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 कुदरत का भी कानून है ना, आपको कुदरत को फॉलो करना होता है। दिन और रात, पहले दिन जाता है तो रात आती है। आपकी मशीनरी आएगी, आपका प्रोडक्शन होगी, टैक्स होगा, फिर आपको जॉब्स मिलेंगी। जब अगर आप फैक्ट्रियां ही बंद कर देंगे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? देखें, इस वक्त तो अनप्रिडिक्टेबल हालात हैं। इस वक्त जो अगर मैं ये कहूँ ना कि अननेचुरल से हालात हैं, तो इस वक्त तो देखें हम यही कर सकते हैं, हम असिस्टेंस कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं आपके प्लान, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। मैं अपने हर सुनने वाले को कहता हूं कि अगर आपको कोई इशू है, आप समझते हैं कि लाहौर चैम्बर आपको असिस्टेंस दे सकता है, डू कम टू मी। मुझसे टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब मैं चैम्बर में बैठा हूं तो मेरा टाइम आपका है, जस्ट वॉक इन। मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूं? बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत हकीकत है। काश साहब, हमारा तमाम ट्रेडर्स का एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि जितने चैम्बर्स के प्रेजिडेंट्स हैं इनका टेन्योर बढ़ाया जाए, फिर ऐसा हो भी गया। अब वो बताइए कि भाई आपका ये आपके टेन्योर में ये एक डिसीजन हुआ था, अभी ये एक्सटेंड होगा कि नहीं? वन ईयर के ऊपर ये थोड़ा सा नहीं नहीं मेरा ख्याल है जी कि फेडरेशन का शायद अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन चैम्बर्स का फैसला हो गया है। चैम्बर्स का तो फैसला हो गया है कि चैम्बर्स के जो प्रेजिडेंट हैं उसका कानून बन गया है कि चैम्बर्स के प्रेजिडेंट 2 साल। लेकिन एक और बात, मुझे अपनी बादशाहत की इसलिए फिक्र नहीं कि मुझे जिसने बादशाहत दी है मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अगर वो चाहता है कि मेरी बादशाहत यहाँ पर 2 साल की है तो मेरी बादशाहत 2 साल की होगी। अगर वो ये समझता है कि मेरी बादशाहत 1 साल की है तो मेरी बादशाहत 1 साल की होगी। बादशाहत की नहीं है प्रेसिडेंट साहब, बात यह है कि पॉलिसीज उसको इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। 2 साल का टेन्योर इसलिए एक सब लोगों का एक दरीना मुतालबा था कि जो भी सदर आता है 2 महीने तो उसकी कंपेन में चले जाते हैं, इस तरह से उसको टाइम नहीं मिलता एक अच्छे से एग्जीक्यूशन का। तो ये तो एक नेचुरली एक चीज़ है। आपकी बात को यहाँ काटता हूँ कि मुझे तो अब अगले 7 मिनट का नहीं पता, वो तो मैं 7 महीने के बाद का क्या बता सकता हूँ, लेकिन कानून बन चुका है। कानून बिल्कुल जी, प्रिंसिपली ऑल द प्रेसिडेंट चैम्बर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 इयर्स नाउ, उनकी टर्म 2 साल है। तो वो अब जिंदगी मौत का तो अल्लाह के इख्तियार है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैम्बर के प्रेसिडेंट नो फेडरेशन का अभी भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन चैम्बर का चैम्बर्स के तमाम प्रेसिडेंट्स जो हैं वो 2 साल के लिए। अच्छा सर, एक लाहौर चैम्बर में एक बड़ी अच्छी यानी कि आप लोगों का एक इनिशिएटिव है जो कि हर चैम्बर में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ लाहौर चैम्बर की प्राउडली कि भाई लाहौर चैम्बर एक वन विंडो ऑपरेशन है जो 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 कोई मेंबर्स को उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो सर उसके ऊपर बताइए कुछ उसमें एक्सटेंड हुए और कुछ काउंटर्स वगैरह कुछ जी। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि काउंटर्स तो मैं 3200 नीचे लगा लूँ, लेकिन अगर मैं उसको चला ही ना सका तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैंने प्रॉब्लम जी नहीं नहीं मैंने सबसे पहले तो ये किया कि इस बात को कन्फर्म किया कि जितने भी काउंटर्स पिछली मैनेजमेंट्स यहाँ पर लगा गई हैं अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं तो उनको कंटिन्यू रखा जाए, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ रहे तो उन्हें क्लोज़ कर दिया जाए। और मैंने कुछ क्लोज़ भी किए हैं क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ रहे थे, हमने और भी ऐड किए हैं जिसमें एनटीसी का हमने ऐड किया है, बहुत ज़रूरी इदारा है एनटीसी का। फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एसएम तनवीर साहब आए थे, वो उस दिन प्रपोज करके गए हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का एक हेल्प डेस्क होना चाहिए, हमने उसके लिए हमने लेटर लिख दिया है, इंशाल्लाह वो भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी ज़रूर दिलाता हूँ कि जितने नीचे काउंटर्स लगे हैं वो फ़ाल हैं, वो देखने के लिए या दिखाने के लिए नहीं है, वो काम करने के लिए हैं। और एक और बात भी,
कि पिछली किसी मैनेजमेंट ने जो टी थी नीचे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी, लेकिन अभी टी कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रॉम लाहौर चैम्बर। जितने भी हमारे वॉक इन गेस्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं और नॉन मेंबर्स हैं, अगर वो आते हैं तो उन्हें चाय कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। और हमारे नंबर्स वहाँ पर लिखे हैं, मेरा नंबर वहाँ पर लिखा है, अगर किसी मेंबर को कोई कंप्लेंट है तो वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है कि उसको किसी हेल्प डेस्क पे उसकी असिस्टेंस नहीं। बहुत बड़ी बात है काशिफ साहब। इंटरनेशनल फेयर एग्जीबिशन के हवाले से लाहौर चैम्बर की अभी क्या, यानी कि कुछ एक्टिविटीज आने वाले दिनों में कोई देखने को आएगी? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, जरूरी होता है चैम्बर की एक्टिविटी के लिए, जो पिछले लास्ट ईयर से मैंने देखा है कि स्पेशली लाहौर चैम्बर की कोई इस तरह इंटरनेशनली कोई एक्टिविटी नहीं। हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमने बाहर क्यों जाना है, एक्सपोर्ट करने के लिए। और ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिए, आपकी तो इंडस्ट्री बंद है। आपकी एक्सपोर्ट तो तब होती है जब लोकल, जब आपकी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही हो। मुझे ये बताएं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो इनपुट कॉस्ट है, इसकी मौजूदगी में क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ, देखें, और आपने बहुत अच्छी बात की, मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने को नंबर टू प्रायोरिटी कर देना चाहिए और इम्पोर्ट को कम करने को नंबर वन प्रायोरिटी कर देना चाहिए। बाय लोकलाइजेशन, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यार इंडस्ट्री लगाओ यहाँ पर। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपको टैक्स कम भी देता है तो उससे कहो तीन इंडस्ट्रियाँ और लगा लो, सरमाया आपके मुल्क में रहे, रोज़गार आपके मुल्क में रहे, इंडस्ट्री आपके मुल्क में चले, रॉ मटेरियल्स आपके मुल्क में बने, फिनिश गुड्स आपके मुल्क में बने। 22 करोड़ आवाम है जिसकी लोकल नीड्स को आपने पूरा करना है। आपने कुत्ते के खाने का बनाना है तो यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, यहाँ प्लांट लगा लो कि कुत्ते के खाना जो आपने इम्पोर्ट करना है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करो। तो मैं तो इस हद तक जाके ओपन माइंडेड हूँ और इस हद तक जाकर ये कहता हूँ, तो हमें इन पॉलिसीज पे सोचना होगा। बट काशिफ साहब, हाउ इज पॉसिबल? ये कहना तो बहुत आसान है, आपको पता है कि पाकिस्तान के जिस तरह के इंस्टेबिलिटी है इस टाइम और हालात ऐसे हैं, लेकिन होपफुली एक उम्मीद रखनी चाहिए और बंदे को पॉजिटिवली सोचना चाहिए, ये बात अच्छी है। जब भी आपने किसी सिस्टम को चलाना होता है तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, तो हमें इसको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग में लेके जाना है। जैसा हमें इस वक्त IMF का 9th रिव्यू शॉर्टेस्ट टर्म में चाहिए है, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को मीडियम टर्म में लेकर आकर लेकर आना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्मॉल, मीडियम में और लॉन्ग में लेकर जाना है कि उस इंडस्ट्री को प्रमोट करें। आपके क्या किया शहजादा साउद बिन सलमान ने? यही तो किया उसने, कहा उसने विजन कौन सा दिया था, 2030 का विजन दिया था, टारगेट करते 2020 में, तो हम भी आज 2023 में 2033 तक का ये विजन नहीं दे सकते कि हमारी तमाम इंडस्ट्री यहाँ पर होगी, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री को फ्लरिश करेंगे, हम डैम्स बनाएंगे, हम वाटर रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, हम कॉटन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देंगे, हम चीनी गन्ने की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जितनी जरखेज़ ज़मीन है हम उस पर सोसाइटीज़ नहीं बनाएंगे, हम आज ही रोक लेंगे यहाँ पर। फैसले तो आप 2200 लोगों ने करने हैं, 22 करोड़ लोगों ने नहीं करने हैं। काश साहब, लास्ट के ऊपर ना, मेरे जब आपके पहले इंटरव्यू हुआ था, मेरी बात हुई थी ख्वाबों के ऊपर कि आप ख्वाबों पर यकीन रखते हैं, और जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब पूरे हुए कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ख्वाब ये भी था, एक ख्वाब ये भी है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह, मेरा ये ख्वाब भी है, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो मैं ज़रूर एक दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर तो मैं बन गया। तो इसके बाद मेरा अगला ख्वाब है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि जिसके साथ उसकी माँ की दुआएं होती हैं उसको कहीं कमी नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है जी, ख्वाब के बगैर ज़िंदगी नहीं है, और जो इंसान ख्वाब नहीं देखता उसको जीने का भी हक नहीं है। आपका ख्वाब था और ये अगला स्टेप आपने एक और ले लिया, इनिशिएटिव ले लिया, सोच रहे हैं उसके मतलब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर, बतौर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, आप जब यहाँ से जाएंगे इस टनोर को ख़त्म करने के बाद, आप क्या समझते हैं आप लाहौर चैम्बर को कहाँ पर देख रहे हैं जब आप किसी और प्रेसिडेंट को देख के जाएंगे? प्लीज़, मैं ये बड़े इम्पोर्टेंट, मैं ये तो नहीं देखता आपके नाकदीन और कायदीन दोनों, मैं ये तो नहीं देखता कि
वो मैं अगले को कहाँ छोड़ कर जाऊँगा, पर मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जब रोज़े हशर अल्लाह और उसका हबीब मुझसे सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया था, तुमने क्या किया, तुमने क्या हक पे खड़े रहे या तुम डर गए, तो मैं कहूँगा या अल्लाह मैं डरा नहीं, मैं हक पे खड़ा रहा और इंशाल्लाह मैं दुनिया में भी सुरखरू होऊंगा और इंशाल्लाह मैं रोज़े हशर अल्लाह और अपने हबीब के सामने भी सुरखरू होऊंगा इंशाल्लाह। काशी साहब, कोई मैसेज एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से आप ट्रेडर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देना चाहते हो तो प्लीज़। मैं जी तमाम सुनने वालों से यही कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठना चाहिए, उन्हें चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए और एक हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा उनके लिए मत लड़ें जिन्हें नहीं पता कि आप लड़ रहे हैं। खुदारा अपनी रिश्तेदारियों को, अपनी दोस्तियों को, अपने ताल्लुकात को उनके लिए ख़त्म मत करें जिन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए अपनी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। और खुदारा उनके लिए मत लड़िए जिन्होंने ज़िंदगी में भी कभी आपको नहीं मिलना। पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तानी बन के रहिए। ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क को बचाना है, बाकी सब अल्लाह और इंशाल्लाह उसका हबीब चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हम किसी को नहीं बदल सकते इंशाल्लाह जी। इस पे वाकई हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। काशिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह मुस्कुराता चेहरा देख रहा हूँ और जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि मैं पहला प्रेसिडेंट इतना एक्टिव देख रहा है सोशली कि आप यानी कि डिजिटली बहुत एक्टिव है, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे एक्टिव। मेरी दुआएं आपके साथ, नेक जिसको कहते हैं, मेरी जितनी बेस्ट विशेस है आपके साथ है। और मुझे इजाज़त दीजिए, आज आप गेस्ट थे, हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जिन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। मैं बल्कि जी मॉडर्न स्टील का भी बहुत शुक्र गुज़ार हूँ, मैं काशिफ महर साहब का भी बहुत शुक्र गुज़ार हूँ और मेरी दुआ है कि आज काशिफ अनवर लाहौर चंबा का प्रेसिडेंट बना है, कल काशिफ यूनिस महर लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद थे। यकीनन आपको ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा ख्वाबों से तबीर तक का। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि इस सफ़र में अगली दफ़ा एक नया मुसाफिर हमारे साथ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।